विपरीत परिस्थितियां या नया अवसर, एक नई कहानी के साथ मैं देवेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम सबके जीवन में जब अच्छा चल रहा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बिना किसी समस्या के हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। परंतु जब जरा सी भी परिस्थिति चेंज होती है, उसमें बदलाव आते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी हमारे मन में आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया ही बदल गई हो, जैसा कि इस समय कोरोना की वजह से चल रहा है। इस खराब परिस्थिति में बिना डगमगाए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आती है दोस्तों। यह कहानी अक्सर मेरे पिताजी मुझे बचपन में सुनाया करते थे। यह कहानी है पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार स्वामी विवेकानंद जी काशी गए हुए थे। वहां पर वो टहलते टहलते एक सकरी गली में जा पहुंचे, तभी अचानक उनके सामने कई बंदरों का झुंड आ गया। उनसे बचने के लिए तभी स्वामी जी कुछ कदम पीछे हटे, परंतु जैसे ही वो कुछ कदम पीछे हटे थे तभी बंदरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और स्वामी जी उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए। बंदरों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके शरीर पर जख्म भी कर दिया। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर एक पास के घर से एक व्यक्ति ने अपनी खिड़की से देखा कि स्वामी जी चिल्ला रहे हैं, कुछ बंदरों ने उन्हें घेर रखा है और उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तभी वो बोला, स्वामी जी रुक जाइए, भागिए मत, और उनकी तरफ बिना डरे हुए अपने हाथों को उठाइए, ऐसे इशारा कीजिए जैसे आप उन पर आक्रमण करने वाले हैं। जैसे ही स्वामी जी ने हाथों को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाए, वैसे ही तेजी से सारे बंदर डर कर भाग गए और स्वामी जी उस सकरी गली को आसानी से सफलतापूर्वक पार कर गए। मित्रों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थिति में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें समस्या का डर कर नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ समस्या का सामना करना चाहिए, वरना समस्या उन बंदरों की तरह पीछा करती है और हमें कमजोर करती है। ये समस्या ही हमें नया अवसर प्रदान करती हैं, हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाती हैं। बिना समस्या और हालात से डरे हुए हमें आगे बढ़ना है और परिस्थितियों से लड़ना है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक बंदर रूपी कठिनाइयां हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में भी आती हैं। कई बार हम बहुत मायूस हो जाते हैं और कई बार तो मन से ही टूट जाते हैं। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। ऐसे मायूसी माहौल में होने वाली बातें ही हमें उनसे लड़ने का भी साहस देती हैं, हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, जिस कारण हम बंदर रूपी इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ मैं देवेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूं और कुछ नई कहानियों के साथ मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।